हेलो दोस्तों, मुझे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से कोरोना वायरस ट्रैकर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आज मैं आपको PHP का यूज़ करके बताऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने ब्राउज़र में COVID-19 API लिखकर सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, documenter.getpostman.com। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास इसके लिए API मिलेगा, आपको api.covid19api.com। आपके पास यहाँ पर समरी का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे एक URL देख रहे हो, आपको इस URL को ओपन लिंक इन न्यू टैब, आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल शो होगी कि आपको जो ये URL है ये आपको कौन कौन सा डाटा प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास इसमें ऑल कंट्रीज़, जितनी भी टोटल कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, सबका डिटेल आपके पास आ रही कि टोटल कितनी डेथ है, टोटल कितने रिकवर्ड है। तो इसके लिए चलिए अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको PHP टैग स्टार्ट करना है और PHP टैग क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, $URL। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। आपको लिखना है $URL इक्वल टू कोमा। आप इस कोमा के अंदर जो आपके पास यहाँ पर ये URL है, हम इस URL का यूज़ करेंगे सारा डाटा रिट्रीव करने के लिए। ये डाटा हमें COVID-19 की सारी डिटेल और सारा डाटा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर $data एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल टू फाइल गेट कॉन्टेंट। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फेच API का यूज़ करते हैं डाटा रिट्रीव करने के लिए, इसी तरह यहाँ पर PHP में फाइल गेट कॉन्टेंट जो एक मेथड होता है इसका यूज़ किया जाता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो हमने यहाँ पर फाइल गेट कॉन्टेंट लिखा और इसके अंदर से अपना जो URL हमने क्रिएट किया था वेरिएबल उसे पास करवा दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे $data इक्वल टू JSON डिकोड। अब हम इसे JSON डिकोड करेंगे यहाँ पर, तो हम इसके अंदर लिखेंगे data, true। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट में जो फेच API होते उसका एक सिंटैक्स होता था, इसी तरह जो हमारा ये PHP में फाइल गेट कंटेंट होता है इसका भी सिंटैक्स होता है। आप कभी भी फाइल गेट कंटेंट मेथड का यूज़ करोगे तो ये आपका सिंटैक्स सेम रहेगा, आपको इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की कोडिंग कि हमें किस तरह से। अब हम यहाँ पे फोरिच लूप का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पे टोटल हमारे पास जितनी भी कंट्री है उसके जितने भी टोटल रिकवर्ड है, टोटल डेथ है और टोटल केस है, सब कुछ हम यहाँ पे डाटा रिट्रीव करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे हम फोरिच लूप का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे फोरिच लूप करने से पहले मैं आपको इसे इको प्रिंट आर करके बता देता हूँ। $data अब मैं इसे सेव करने के बाद इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि जो हमारे पास ये URL है ये हमें किस तरीके से हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाएगा और मतलब कौन कौन से हमें पैरामीटर हमें प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में अपने इसको URL को ओपन कर लेता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे अपने फाइल नेम दिया है। मैंने यहाँ पे yo.php नाम से फाइल क्रिएट की, तो मैं इसे पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखो कि हमारे पास ये सारा डाटा यहाँ पर ये जो API की URL है हमें ये सारा डाटा दे रहा है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हम इसे सिंपली देखने में अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली प्री लिखेंगे कोमा के अंदर, उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलम दे देंगे, कोड को सेव कर देंगे और उसके बाद मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखो कि हमारे पास जो ये सारा डाटा है ये बहुत अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, जिससे हमें देखने में आसानी होगी। तो देख सकते हो कि आपके पास कितने अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एरे, सबसे पहले ग्लोबल एरे, इसके अंदर हमारे पास
न्यू कन्फर्म टोटल केस, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी टोटल केस है उसकी डिटेल शो होगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एरिया है वो यहाँ पे है हमारे पास कंट्रीज़। इस एरिया के अंदर हमारे पास सारी कंट्रीज़ ए टू जेड जितनी भी कंट्रीज़ है हमारे पास वर्ल्ड में हर कंट्री शो होगी, उसके सारा डाटा कोरोना वायरस से रिलेटेड हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर ईच, फॉर ईच लूप के अंदर जो हमने वेरिएबल है हमारा डॉलर डाटा एज डॉलर रिजल्ट, हम यहाँ पे आर ई एस भी लिख सकते हैं, रिजल्ट कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉलर आर ई एस कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारा जो डाटा है, हमारे डाटा के अंदर सबसे पहले जो हमारा कंट्रीज है, ये कंट्रीज एरे हम इसे यहाँ से इसके अंदर डाटा के बाद यहाँ कोमा के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम सिंपली ये करेंगे जो हमारी फॉर ईच लूप है, हम अपनी फॉर ईच लूप के अंदर हम इसे इको कराएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इको डॉलर रिजल्ट आर ई एस, जो हमने ऊपर लिखा है डॉलर डाटा कंट्रीज एज डॉलर आर ई एस। तो हम लिखेंगे डॉलर आर ई एस। अब हम यहाँ पे कोमा के अंदर जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, हम यहाँ पे ये सारी डिटेल डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कंट्री, कंट्री कोड, न्यू कन्फर्म्ड। तो सबसे पहले मुझे कंट्री डिस्प्ले कराना, तो मैं यहाँ से कंट्री को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कोमा के अंदर से पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं बी आर टेक का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास सारी कंट्री डिस्प्ले होगी ए टू जेड तक सारी कंट्री डिस्प्ले होगी। तो अगर मैं बी आर टेक का यूज़ करूँगा तो मेरे पास सारी कंट्री अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होगी और देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे बी आर टेक का यूज़ किया। अब मैं इसे अपने ब्राउज़र में आपको इसे दोबारा से रिफ्रेश करके बताता हूँ कि आपके पास किस तरह से डिस्प्ले होगी। अब हमें यहाँ पे जो हमारा प्री हमने इसे कराया प्रिंट आर, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, फिर कोड को सेव करता हूँ। और अब मैं इसे आपको एक अलग न्यू टैब में बताता हूँ ओपन करके। अभी मेरे पास वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। मैं अपने इंटरनेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो आपके पास ये सारी कंट्री आ रही है, ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपके पास टोटल वर्ल्ड की कंट्री, आपके पास सारी कंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो अब हमें जो हमारे जो बाकी के पैरामीटर हैं अब हमें वो डिस्प्ले करवाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो बाकी के पैरामीटर जैसे न्यू कन्फर्म्ड, टोटल कन्फर्म्ड, न्यू डेथ, न्यू रिकवर्ड, आपको इस आप इन सारे डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैं इसे जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे तीन पैरामीटर डिस्प्ले करवाने हैं, आप चार या पाँच को जितने मर्जी करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेन पैरामीटर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले हमारे टोटल कन्फर्म्ड कि टोटल कितने केस आए, तो मैं यहाँ पे इसे एडिट कर देता हूँ, यहाँ कंट्री की जगह टोटल कन्फर्म्ड कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो अगला है टोटल डेथ, भी कितनी डेथ हुई है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्री की जगह से टोटल डेथ कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला है टोटल रिकवर्ड, आप यहाँ से जितने मर्जी पैरामीटर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेनली तीन पैरामीटर को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा टोटल रिकवर्ड। अब मैं इस कोड को सेव कर दूँगा। अब मैं इसे आपको ब्राउज़र में रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देख रहे हो कि आपके पास सारा डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सबसे ऊपर कंट्री का नाम, उसके बाद उसके टोटल केस डेथ, आप देख रहे हो कि हर कंट्री है, और उसके नीचे उसके टोटल केस, टोटल डेथ और टोटल रिकॉर्ड, सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे। तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे।
जिससे देखने में अच्छे लगेंगे और ये काफ़ी स्टाइलिश हो जाएंगे। तो चलिए, आपको बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है। इसके लिए आपको सिंपल गूगल गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में आपको सर्च करना है बूटस्ट्रैप टेबल्स। आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप टेबल लिख के सर्च कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास सबसे पहले जो टेबल ओपन होगा, टेबल बूटस्ट्रैप, आपको इसे लिंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके पास सबसे ऊपर एक टेबल का एग्जांपल दिया होगा, आप इस एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको इसे अपने कोड में सबसे नीचे लास्ट में पेस्ट कर देना है। अब आपको लास्ट में आपके पास यहाँ पर दो एक्स्ट्रा टेबल रो है TR, आपको उसे डिलीट कर देना है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली यहाँ पे चार पैरामीटर शो करवाने हैं, तो आपको यहाँ पे चार हेडिंग देनी है। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग और क्रिएट कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर टोटल रिकवर्ड, फिर टोटल डेथ, फिर टोटल केसेस, और फिर सबसे ऊपर कंट्री। तो आपको ये डिस्प्ले करवाना है। तो आप यहाँ पे चार हेडिंग क्रिएट कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड नहीं है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे कंट्री करना है, क्योंकि आपका जो सबसे ऊपर पैरामीटर आप देख रहे हो, आपको सबसे ऊपर कंट्री डिस्प्ले करवाना है, फिर टोटल कन्फर्म्ड। तो हम यहाँ पे कंट्री कर लेंगे सबसे ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है टोटल कन्फर्म्ड कर लीजिए आप उसकी दूसरी हेडिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल डेथ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर भी 3 TD है, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा TD कर देनी है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा TD की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सिंपली सबसे ऊपर इसे कॉपी कर लेना है, जो टेबल बॉडी होगी आपके पास, टेबल ड्यू से लेके टेबल बॉडी तक इसे कॉपी कर लेना है, मींस कट कर लेना है नीचे से। और सबसे ऊपर जो आपके फॉर ईच लूप से पहले आपको इसको PHP को क्लोज़ कर लेना है, और दोबारा से इसको PHP को स्टार्ट कर लेना है, और इसके अंदर आपको जो आपने कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, जो टेबल की आपने कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली करना ये है कि आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर TR दिया है, आपको इस TR से लेकर फर्स्ट जो हमारी ड्यू है और सेकंड ड्यू है, आप इन दोनों को कॉपी करना है। जो हमारी TD है, फर्स्ट TD और सेकंड TD, आपको इन दोनों को यहाँ से कट कर लेना है। और आपको ऊपर जो आपकी फोर इंच लूप है उसके अंदर आपको यहाँ पे PHP को क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से PHP को स्टार्ट करना है। अब आपने यहाँ पे जितने भी पैरामीटर डिस्प्ले कराया, कंट्री, टोटल, आपको सबके लिए अलग अलग PHP को स्टार्ट करना है और PHP को क्लोज़ कर लेना है। आपको यहाँ पर नीचे भी PHP को क्लोज़ करना है, स्टार्ट करना है, और यहाँ पर क्लोज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे भी PHP जो हमारा होता है उसे स्टार्ट करना है, PHP को स्टार्ट करना है और PHP को क्लोज़ कर देना है। आपको यहाँ पे जितने भी आपको चारों पैरामीटर में अलग अलग PHP को स्टार्ट और क्लोज़ कर देना है। उसके बाद जो आपने टेबल में TR और TD को कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो हमारा PHP का कोड होगा उसके बाहर। अब आपको यहाँ पे PHP का जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है इसे कॉपी कर लेना है,
और जो आपका यहाँ पे टीडी है इस टीडी के अंदर से पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे दूसरी टीडी की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ से टीडी को नीचे से कट करना है और ऊपर आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। और जो आपका PHP का आपका स्टार्टिंग है और क्लोजिंग है सारे कोड को यहाँ से कॉपी करके इस TD के अंदर पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक नीचे एक अलग TD की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस TD को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और आपको इस TD को यहाँ पे पेस्ट करना है। और अब जो आपका PHP का कोड है PHP क्लोजिंग स्टार्टिंग और क्लोजिंग आपको इसे कहाँ से कट करके आपको इसे जो आपका TD है इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब आपका जो सबसे नीचे TD है और TR है आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है TD और TR को। और आपको इसे जो आपकी PHP जो आपका यहाँ पे PHP का स्टार्टिंग और क्लोजिंग आप इसको कॉपी करके कट करके यहाँ से जो आपका TDS के अंदर से पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आपका जो यहाँ पे PHP है इसका ये स्टार्टिंग आपको इसे कर देनी है और सबसे नीचे से क्लोज है, क्योंकि यहाँ से आपका जो PHP का कोड है ये ओपन है, तो आपने इसे यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे से ये अब क्लोज हो गया। अब मैं इसे कोड को सेव करके इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। यहाँ से मैं अपना सबसे पहले मैं अपना इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कि आपके पास सारी डिटेल आ रही है, जैसे कंट्री, टोटल कंफर्म, टोटल डेट, टोटल रिकॉर्ड, और आपके पास सारी डिटेल जितनी भी टोटल कंट्री आपके पास वर्ल्ड की हर कंट्री की सारी डिटेल आपके पास डिस्प्ले हो रही है। लेकिन आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में आपके पास 1111 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास अकाउंटिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शो है, तो उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि आपको फोर ईच लूप है जो आपने लगाई हुई, इससे पहले आपको एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे SN सीरियल नंबर नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 0 देता हूँ। उसके बाद मैं इसे फोर ईच लूप के अंदर इंक्रीमेंट करा देता हूँ $SN++। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर है यहाँ पर मैं हम PHP लिखेंगे, PHP स्टार्ट और क्लोज करेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे इको, हम इसे इको करा देंगे जो हमारा SN वेरिएबल है $SN वेरिएबल। उसके बाद मैं इस कोड को सेव कर दूंगा और मैं इसे आपको ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो आप देख रहे हो कि अब हमारे पास सारी काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4 5 जो जो हमारी कंट्री है हर कंट्री के पास एक अलग नंबर आ रहा है। तो ये काउंट कर रहा है कि टोटल कितनी कंट्री है, टोटल 192 कंट्री है जिसका डाटा हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो आप कितनी इजीली इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बाकी के भी जितने पैरामीटर है आप इन सारे पैरामीटर को भी डिस्प्ले करवा सकते हो। डेट आप देख रहे हो यहाँ पर, डेट, कंट्री कोड, ID, आप इन सारी डिटेल को शो करवा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी हमारे यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है वर्क नहीं कर रही है, तो हम इसे डिस्प्ले करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक CDN ऐड करना पड़ेगा, जो बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन CDN होता है, ऑनलाइन फाइल होती है। तो या आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपको सिंपली सर्च करना है W3 स्कूल बूटस्ट्रैप अलर्ट, या आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको सिंपली ये लिखना है बूटस्ट्रैप W3 स्कूल, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी एग्जांपल दिए होंगे। आपको इस एग्जांपल को ओपन कर लेना है, आपको ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो हेड सेक्शन है इसके अंदर आपके पास बूटस्ट्रैप की CDN फाइल दी होगी, आपको यहाँ से हेड सेक्शन को कॉपी कर लेना है। या आप इंटरनेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी जगह से इस तरह का जो CDN कोड है ये मिल जाएगा। या आप सिंपली बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तब आपको इस CDN फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सिंपली अपने कोड के सबसे नीचे लास्ट में इस CDN फाइल को पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको इस कोड को सेव कर देना है। उसके बाद मैं आपको इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो इस पर अप्लाई हो गई है और ये कितने अच्छी तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो रहा है और अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। अब ये डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी आपके पास परफेक्टली डिस्प्ले रहे होगा। आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर टोटल होल कंट्री आ रही है और ये काफ़ी मोबाइल रिस्पॉन्सिव लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसमें बूटस्ट्रैप के जो दूसरी क्लासेस होती है जैसे डार्क क्लास या कोई भी क्लास का यूज़ करके इसके
और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हो। आप देख रहे हो जैसे मैंने इसे मोबाइल व्यू में ओपन किया है, तो उस मोबाइल व्यू में भी आपके पास बहुत अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है, तो ये डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल में भी परफेक्टली वर्क करेगा। तो इस तरह आप इजीली 10 या 15 मिनट के अंदर अपने लिए कोरोना वायरस ट्रैकर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जो ये वेबसाइट है ये हमने API की हेल्प से बनाई है, तो इसमें डेली का जो डाटा है, जितनी डेथ होगी, जितने रिकवर हो गए कोरोना वायरस से, उन सब का डाटा यहाँ पे डेली अपडेट होता हो रहेगा। तो आप देख सकते हो हम कितने इजीली इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।